सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड बाय डेली अपडेट्स के एक और न्यू एपिसोड में आप सभी का स्वागत है, जिधर हम लोग बात करते हैं मेनली मूवीज के अपडेट्स की, जो कि भाई निकल कर आती हैं हॉलीवुड साउथ एंड बॉलीवुड से। अब देखो जो सीरीज की अपडेट्स हैं या फिर जो मेजर अपडेट्स होती हैं उनको स्ट्रेंज अपडेट वाले वीडियो में हमेशा की तरह जैसे कवर करते थे वैसे ही कवर करते रहेंगे, उसमें कोई भी चेंज आप लोग को देखने को नहीं मिलेगा। ये एक नया सेगमेंट है जिसके पहले एपिसोड को आप लोगों ने काफी अच्छा सपोर्ट किया था, तो उसी तरीके का सपोर्ट भाई इस वीडियो में भी बनाए रखना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो बात करते हैं सबसे पहले साउथ की मूवीज की। तो देखो भाई अगर साउथ की मूवी की बात कर रहे हैं एंड केजीएफ का नाम ना है तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो देखो मैंने आप लोगों को भी पिछली वीडियो में बताया था कि केजीएफ के लाइक कुछ पार्ट का रीशूट आप लोगों को देखने को मिल रहा है, बिकॉज प्रशांत नील को यश की एक जो एंट्री वाला सीन था वो पसंद नहीं आया था, तो 3 से 4 दिन में वो जो लाइक रीशूट है वो खत्म हो जाएगा। बट भाई उसकी वजह से जो अभी करंटली अपडेट्स आ रही है उसके अकॉर्डिंग आप लोग को जो इसका पहला सिंगल 25 तारीख को देखने को मिल सकता था वो शायद अब देखने को ना मिले, मतलब कि अभी 50-50 चांसेस है कि आप लोग को 25 तारीख को केजीएफ का जो पहला सॉन्ग है वो देखने को मिले, बिकॉज करंट अपडेट्स अकॉर्डिंग अब शायद आप लोग को इसका जो पहला ट्रेलर है वही पहले देखने को मिलेगा, सॉन्ग शायद उसके बाद आप लोग को देखने को मिले। बट 25 तारीख से पहले अगर मेरे को कुछ और न्यू कंफर्मेशन मिलेगी देन मैं आप लोग को आने वाले टाइम में अपडेट कर दूंगा। सो बात करें नेक्स्ट अपडेट की, तो निकल कर आ रही गोल्ड माइंस की तरफ से। अब देखो अगर आप लोग को नहीं पता तो भाई साउथ की मूवीज के मेजोरिटी जो हिंदी राइट्स होते हैं वो गोल्ड माइंस के पास होते हैं, एंड रिसेंटली भाई इन्होंने एक नया पैटर्न स्टार्ट करा जहां पे मूवीज को ये लोग हिंदी डब करके अपने ढिंचक टीवी के जो चैनल है टीवी चैनल उस पर रिलीज करते हैं। तो अभी रिसेंटली भाई गोल्ड माइंस वालों ने वाल्मीकि मूवी उसी के साथ विजय सर की मूवी मिसल का जो हिंदी टीजर है उसको रिलीज करा था, जहां पे आप लोग को वाल्मीकि मूवी ढिंचक टीवी पर 6 मार्च को रात 8 बजे देखने को मिलेगी, एंड जो मिसल मूवी आप लोग को 13 मार्च को रात 8 बजे देखने को मिल जाएगी। सो बात करें नेक्स्ट अपडेट की, तो निकल कर आ रही रामचरण सर की मूवी प्लस चिरंजीव सर की मूवी आचार्य की तरफ से। आचार्य मूवी आप लोग को 29 अप्रैल को थिएटर्स के अंदर देखने को मिलेगी। अभी तक ये कंफर्म नहीं हो रहा था कि मूवी आप लोग को भाई पैन इंडिया हिंदी में देखने को मिलेगी या फिर नहीं, लेकिन अभी भाई रिसेंटली पैन मीडिया ने चीज को कंफर्म कर दिया कि आप लोग की जो मूवी है वो हिंदी में भी देखने को मिलेगी, एंड ये भाई पैन इंडिया रिलीज होने वाली है जहां पे मूवी आप लोग को मल्टीपल लैंग्वेजेस में थिएटर्स के अंदर अवेलेबल हो जाएगी। सो बात करें भाई नेक्स्ट अपडेट की, तो निकल कर आ रही राधेश्याम मूवी की तरफ से। अपडेट्स प्लस रूमर्स के अकॉर्डिंग इस मूवी का आप लोग को लास्ट ट्रेलर या फिर भाई लास्ट सॉन्ग जो है वो मार्च के फर्स्ट वीक में देखने को मिल सकता है, जो कि भाई इस मूवी को थोड़ा सा और पुश करेगा प्रमोशन की तरफ, बिकॉज इसका जो मेजोरिटी प्रमोशन था वो भाई पहले हो चुका था, एंड अभी रिसेंटली जो मेकर्स हैं वो थोड़ी न्यू टैक्टिक्स आजमा रहे हैं, बिकॉज वैलेंटाइन डे पे भी उन्होंने एक छोटे से ग्लिम्स को रिलीज करा था, उसी तरीके से आप लोग को मार्च के फर्स्ट वीक में भी राधेश्याम की तरफ से कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। अगर वो टीजर ट्रेलर हो जाता देन काफी अच्छी बात होगी, बट अगर भाई सॉन्ग को भी रिलीज करते हैं तभी भाई जो प्रमोशन वाली स्ट्रेटेजी है आई थिंक वो काफी ज्यादा सक्सेसफुल हो सकती है। तो मार्च के फर्स्ट वीक का वेट रहेगा, देखते हैं भाई इनकी मेकर्स की तरफ से हमें क्या देखने को मिलता है। सो बात करें भाई हॉलीवुड सेगमेंट की, तो हॉलीवुड में जो अपडेट निकल कर आ रही सबसे पहली वो है भाई अनचार्टेड मूवी से। अनचार्टेड मूवी अगर आप लोग को नहीं पता तो भाई थिएटर्स के अंदर रिलीज हो गई थी, एंड मूवी काफी अच्छा बिजनेस कर रही है। तो अभी करंटली जो इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सामने निकल कर आया है वो भाई ऐसा है कि मूवी ने अपने स्टार्टिंग के लाइक वीकेंड में 40 से 50 मिलियन डॉलर के आसपास जो कलेक्शन है वो करने का लाइक टारगेट रखा हुआ है, एंड मे बी भाई वो उससे ज्यादा भी कलेक्ट कर सकती है, बिकॉज इसका जो लाइक ओपनिंग वीकेंड था उसमें भाई मूवी ने 14 से 15 मिलियन डॉलर के आसपास जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो करा था। अब देखो एक स्पाइडरमैन की मूवी तो है नहीं, दैट्स व्हाई इसे उस हिसाब से कलेक्शन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, बट भाई जिस कैटेगरी की मूवी है उसमें भाई इस कलेक्शन को भी काफी अच्छा माना जा रहा है। तो आप लोग बताना कितने लोगों ने टॉम हॉलैंड की अनचार्टेड मूवी को देख लिया है, एंड अगर आप लोग को जानना है कि भाई ये मूवी आप लोग को OTT पर कब तक देखने को मिलेगी तो उसके ऊपर मैंने वीडियो को कवर कर दिया, तो आप लोग जाकर उसको देख सकते हो, लिंक मैं आप लोग को आई बटन में दे दूंगा। सो बात करें नेक्स्ट अपडेट की, तो अगर आप लोगों ने भाई बचपन से मिनियंस की मूवीज को देखा हुआ है एंड उसमें जो आप लोग डिस्पेकेबल मी का जो पार्ट था उसको भी फॉलो करते हो देन उसका जो पार्ट 4 है उसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन हो गई, एंड ये जो मूवी आप लोग को 2024 के जुलाई के मंथ में देखने को मिलेगी, जहां पे इसकी जो रिलीज डेट है वो भाई 23 जुलाई अभी करंटली बताई जा रही है। तो आप लोग बताना कितने लोगों ने मिनियंस मूवी को देख रखा है, एंड आप लोग को मिनियंस कैसे लगते हैं, बिकॉज पर्सनली मेरे को काफी ज्यादा क्यूट लगते हैं। सो बात करें भाई बॉलीवुड की, तो देखो बॉलीवुड से बहुत ज्यादा मेजर अपडेट तो सामने निकल कर नहीं आई, लेकिन अगर आप लोग भाई सलमान खान सर की मूवीज को देखना पसंद करते हो देन भाई उनकी जो Tiger 3 की शूटिंग थी उनका मेजोरिटी पार्ट खत्म हो गया है। अब से भाई जो कुछ इंडोर शूट होते हैं जो कि ग्रीन स्क्रीन पर शूट करे जाते हैं या फिर भाई कुछ ऐसे पार्ट जो कि लाइक छूट गए होते हैं उनका ही शूट होना बाकी है, ऑल्दो जो मेजोरिटी पोर्शन था वो शूट हो चुका है, मतलब कि टाइगर 3 जो मूवी है अब सीधे सीधे पोस्ट प्रोडक्शन में चली जाएगी, एंड मे बी आप लोग को मूवी का जो लाइक आगे चल के अनाउंसमेंट है वो भी बहुत जल्द सुनने को मिल सकता है। तो आप लोग बताना भाई सलमान खान की मूवी टाइगर 3 के लिए आप लोग कितना ज्यादा एक्साइटेड हो। सो भाई इस बार के डेली अपडेट्स वाले वीडियो में बस इतना ही, होप करते हैं कि आप लोग को जो न्यू सेगमेंट है वो भाई पसंद आ रहा होगा। अगर आप लोग को भाई कोई भी लाइक सजेशन देने हैं जिससे कि भाई हम लोग आगे इंप्रूव कर सकें तो आप लोग बिंदास दे सकते हो मेरी टी शर्ट को छोड़कर, बिकॉज भाई मेरे पास मल्टीपल टी शर्ट्स हैं, बस मैं लाइक ब्लैक टी शर्ट्स को पहनता हूँ तो मेरे को ज्यादा अच्छा लगता है, वो भाई मेरी चॉइस है। आई थिंक आप लोग को टी शर्ट से कोई ज्यादा इशू नहीं होगा, आगे और भी कुछ अगर आप लोग को लाइक लगता है कि इंप्रूव करने की जरूरत है तो आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कर सकते हो, मैं उसको जरूर इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा। बाकी स्ट्रेंजर अपडेट में हम लोग मेजर अपडेट को तो कवर करते ही रहते हैं, तो उसके लिए भी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी आगे हम लोग मिलते रहेंगे, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय, पीस ऑफ।